हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन द परफेक्ट फिजियो ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल। मैं भुवनेश्वर और आपके लिए लेकर आया हूं एक न्यू टॉपिक, जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी, जिसके बारे में हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। अगर हम जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी की बात करें तो दिस इज ए प्रोसीजर वेयर वन आर बोथ द कंपोनेंट फॉर्मिंग अ जॉइंट आर रिप्लेस्ड विद आर्टिफिशियल कंपोनेंट। मीन्स जो हमारा जॉइंट होता है वो दो कंपोनेंट से मिलकर बना होता है, तो या यूँ कहें दो बोन से मिलकर बना होता है। तो हम जॉइंट रिप्लेसमेंट में क्या करते हैं, जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी में, कि एक कंपोनेंट को या दोनों कंपोनेंट को हम रिप्लेस कर देते हैं विद आर्टिफिशियल कंपोनेंट से। और जो आर्टिफिशियल कंपोनेंट से हम रिप्लेस करते हैं उसे बोलते हैं प्रोस्थेसिस। क्या बोलते हैं? प्रोस्थेसिस। द प्रोस्थेसिस आर मेडअप ऑफ स्पेशल मेटल आर एलॉय। ये स्पेशल मेटल से एलॉय से बना होता है, स्पेशली स्पेशल हाई डेंसिटी पॉलीइथाइलीन जो है इससे बना होता है। अगर एक टर्म है आर्थोप्लास्टी, इसका मीन्स होता है इट इज़ द ऑपरेशन फॉर रिकॉन्स्ट्रक्शन ऑफ अ न्यू मूवेबल जॉइंट। ये एक तरह का ऑपरेशन होता है, इसके द्वारा हम न्यू मूवेबल जॉइंट का रिकॉन्स्ट्रक्शन करते हैं। तो अब हम बात करते हैं इंडिकेशन की। इंडिकेशन क्या है जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी के, इंडिकेशन क्या हैं? अगर किसी को सीवियर ऑस्टियो आर्थराइटिस है हिप की या नी की, तो उसमें हिप का जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी करते हैं, नी का। इसमें पार्शियल जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी भी हो सकती है, टोटल भी हो सकती है, जिसके बारे में भी हम डिटेल में डिस्कशन करते हैं। अगर किसी को एडवांस रूमेटॉइड आर्थराइटिस विद डिसेबलिंग पेन है, तो उसमें भी हम जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी करते हैं। किसी को अगर क्वेसेंट डिस्ट्रक्टिव ट्यूबरक्लोसिस आर्थराइटिस है, ट्यूबरक्लोस आर्थराइटिस है, तो उसमें भी हम इसका यूज करते हैं। अनयूनाइटेड फ्यूमोरल नेक फ्रैक्चर हुआ है, तो उस कंडीशन में भी हम हिप का जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी करते हैं। कोरेक्शन ऑफ सर्टेन टाइप ऑफ डिफार्मिटी, स्पेशली हाइलक्स बेलगस, तो इस कंडीशन में भी हम जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी करते हैं। और एवेस्कुलर नेक्रोसिस अगर किसी को है, तो उस कंडीशन में भी हम जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी करते हैं। अब अगर इसके हम टाइप्स की बात करें, तो जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी टू टाइप्स की होती है, हेमी आर्थ्रोप्लास्टी मीन्स पार्शियल जॉइंट रिप्लेसमेंट एंड टोटल जॉइंट रिप्लेसमेंट। पार्शियल जॉइंट रिप्लेसमेंट के एग्जांपल में हमने लिया है पार्शियल नी रिप्लेसमेंट, ऐसे अदर जॉइंट का भी हो सकता है। और टोटल में हमने एग्जांपल में लिया है टोटल शोल्डर रिप्लेसमेंट, टोटल एल्बो रिप्लेसमेंट, टोटल नी रिप्लेसमेंट, टोटल हिप रिप्लेसमेंट। इसके बारे में हम एक एक करके डिटेल में बताते हैं। सबसे पहले अगर हम हेमी आर्थ्रोप्लास्टी की बात करें, मीन्स पार्शियल जॉइंट रिप्लेसमेंट की, तो इन दिस टाइप ओनली वन ऑफ द आर्टिकुलेटिंग सर्फेस इज रिमूव्ड एंड इज रिप्लेस्ड बाई ए प्रोस्थेसिस ऑफ ए सिमिलर टाइप। मीन्स इसमें जॉइंट का टू कंपोनेंट होता है, जैसे कि हमने पहले बताया दो आर्टिकुलेटिंग सर्फेस होते हैं, तो उनमें से एक को विद द हेल्प ऑफ प्रोस्थेसिस रिमूव कर दिया जाता है, और प्रोस्थेसिस वहाँ जो है उसके द्वारा रिप्लेस कर दिया जाता है। इसके एग्जाम्पल हमने जो लिया है पार्शियल नी रिप्लेसमेंट, इसे हम यूनिकंडाइलर रिप्लेसमेंट के नाम से भी जानते हैं। दिस इज अ न्यूअर ऑपरेशन डन फॉर अ नी वेयर ओनली अ पार्ट इज डैमेज्ड या पार्शियल डैमेज्ड। इसमें क्या होता है, जो नी का एक कंडाइल या पार्शियल डैमेज होता है उसको हम रिप्लेस कर देते हैं, और वहाँ पर आर्टिफिशियल मींस प्रोस्थेसिस लगा देते हैं। हेयर द नी इज ओपेंड यूजिंग अ स्मॉल इंसीजन, अ कैप इज पुट ऑन द टॉप ऑफ द डैमेज पार्ट विदाउट रिमूविंग एनी लिगामेंट मसल्स। बिना लिगामेंट और मसल को रिमूव किए हुए जो एक पार्ट डैमेज है उसका कैप जो है वहाँ पुट कर देते हैं। इन सेलेक्टेड केसेस दिस वर्क एज वेल एज द मूव इन्वेसिव टोटल नी रिप्लेसमेंट, इट इज इंडिकेटेड इन रेस्ट्रिक्टली पार्शियली डैमेज नी। इसमें हम जो है अप्लाई करते हैं, जैसा कि आपको इमेज में शो हो रहा है पार्शियल नी रिप्लेसमेंट। अब बात करते हैं हम टोटल जॉइंट रिप्लेसमेंट की, तो इसमें क्या करते हैं, जो बोथ आर्टिकुलेटिंग सर्फेस को हम रिमूव करके और रिप्लेस कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रोस्थेटिक कंपाउंड्स के द्वारा या कंपोनेंट के द्वारा। इसमें अगर टोटल शोल्डर रिप्लेसमेंट की बात करें, तो इसमें क्या होता है, ये एक ऑपरेशन होता है। ये मान लीजिए किसी को ऑस्टियोआर्थराइटिस है शोल्डर का, मोस्टली ये अनकॉमन होता है, बट फिर भी अगर किसी का स्टिफ शोल्डर है, पेनफुल शोल्डर है, तो उस केसेस में हम क्या करते हैं, जो ग्लेनॉइड हमारा है और हेड ऑफ द ह्यूमरस है, इसको हम रिप्लेस कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ आर्टिफिशियल प्रोस्थेसिस। जैसे कि आपको ये दिख रहा है टोटल शोल्डर रिप्लेसमेंट, इसमें ग्लेनॉइड जो हमारी कैविटी है उसको भी और हेड ऑफ द ह्यूमरस को, दोनों को रिप्लेस किया गया है। जैसे कि देखिए ह्यूमरल कैप, ये देखिए ग्लेनॉइड स्पेयर। देर अगर हम बात करें टोटल एल्बो रिप्लेसमेंट की, तो इसमें क्या होता है, दिस इज इंडिकेटेड इन स्टिफ एंड पेनफुल एल्बो ड्यू टू द रूमेटॉइड आर्थराइटिस। अगर किसी को रूमेटॉइड आर्थराइटिस है या कोई फॉल आउट हो गया है,
जिससे एल्बो की इंजरी हो गई है, तो उस कंडीशन में हम भी इसे कर सकते हैं। ये गुड फंक्शन फॉर 10 to 15 ईयर, और 10 से 15 ईयर तक ये गुड फंक्शन करता है, जैसा कि आपको इमेज में शो हो रहा है। देन अगर बात करें टोटल नी रिप्लेसमेंट की, दिस इज रिलेटिवली न्यू ऑपरेशन। इसमें जैसा कि पार्सल नी रिप्लेसमेंट था, सेम ऐसे है, बस इसमें क्या होता है, जो बोथ आर्टिकुलेटिंग सर्फेस होते हैं उनको रिप्लेस कर दिया जाता है विद द हेल्प ऑफ प्रोस्थेसिस, जैसा कि आपको इमेज में शो हो रहा है। देखिए, बोथ आर्टिकुलेटिंग सर्फेस को रिप्लेस कर दिया गया है। देन अगर टोटल हिप रिप्लेसमेंट की बात करें, तो इसमें भी यही चीज़ होती है कि जो हमारा एसिटाबुलम होता है, देखिए एसिटाबुलम, इसे उसे रिप्लेस कर दिया गया, और जो हमारा फीमर बोन है उसे रिप्लेस कर दिया गया। मींस पूरी तरह से टोटल हिप रिप्लेसमेंट ये हमारा हुआ है, जैसे कि आपको दिख रहा है, दिस इज ये ऑपरेशन वेयर बोथ द एसिटाबुलम एंड द हेड ऑफ द फीमर आर रिप्लेस विद द आर्टिफिशियल कंपोनेंट। तो दोनों को रिप्लेस कर दिया जाता है। फॉर द एसिटाबुलम अ कैप अ मेड ऑफ, मतलब एसिटाबुलम के लिए एक कैप, एक जो है कैप टाइप का बनाया जाता है, और हेड ऑफ द ह्यूमरस, सॉरी हेड ऑफ द फीमर, उससे जो है रिप्लेस कर दिया जाता है। तो ये हमारा है। देन अगर हम इस कॉम्प्लिकेशन की बात करें कि कौन कौन से कॉम्प्लिकेशन होते हैं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी के, तो पेशेंट को इन्फेक्शन हो सकता है, डीप वेन थ्रोम्बोसिस हो सकता है, नी जॉइंट स्टिफनेस हो सकता है, नर्व पाल्सी हो सकता है या कंप्रेशन हो सकता है जिसकी वजह से पैरालाइज हो सकता है पेशेंट, और फ्रैक्चर होने के भी चांसेस होते हैं। दिस इज ऑल अबाउट जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी। थैंक यू सो मच। प्लीज़ वीडियो देखने के बाद जरूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।